Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, umeed hai aap sab khairiyat se honge. Welcome to our new video. To chalein shuru karte hain. Main aaj aapko bataane wala hoon ki jiske zariye hum screen record kar sakte hain. अब हमारी जो लेक्चर्स हैं ऑनलाइन लेक्चर्स अगर हों हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर हमने स्क्रीन रिकॉर्ड करनी हो और कोई चीज़ किसी को भेजनी हो रिकॉर्ड करके कोई इंस्ट्रक्शंस या टीचर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं लेक्चर रिकॉर्ड करके उसको जो है वो अपलोड कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड पे हम सर्च करेंगे और जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे ओपन लिंक इन न्यू टैब यहाँ पे हम जो है वो बटन पे क्लिक करेंगे हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगी और मैं जो हूँ अभी इसी ऐप से स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग होती है और हमें ना कोई अडोब प्रीमियम प्रो सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर उसको भी हमें यूज़ नहीं करना पड़ता और एक चीज़ है कि हम एक्सटर्नल माइक्रोफोन अगर हम यूज़ करें तो वो सबसे बेटर है क्योंकि जो इंटरनल माइक्रोफोन है लैपटॉप का या पीसी का उसके अंदर जो सिस्टम का फैंस हैं उसकी भी आवाज़ आ रही होती है तो जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है कांस्टेंट वॉइस होती है जो कि फैंस से आ रही होती है कंप्यूटर या लैपटॉप के तो इसलिए एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ करें सबसे बेटर है तो हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं और ये डाउनलोड हो जाएगी और इंस्टॉल करना बहुत इजी है जस्ट आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और वो इंस्टॉल हो जाएगी मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ ऐप का ये इसका इंटरफेस है और यहाँ पे हम रिकॉर्ड सिस्टम ऑडियो कोई हम म्यूज़िक प्ले कर रहे हों या मीटिंग्स के अंदर जैसे सिस्टम से आवाज़ आएगी मीटिंग्स में जो वो पार्टिसिपेंट्स बोल रहे होंगे वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं तो हमने इस ऑप्शन को इनेबल करना है और अगर एचडी में हमने रिकॉर्ड करनी है तो हम इसको ऑन कर सकते हैं और ये जो है हमारे पास एक्सटर्नल माइक्रोफोन है जो अब इस वक्त आ रहा है हमारे पास माइक्रोफोन को अगर हम डिसेबल कर देंगे तो हमारी वॉइस जो है माइक्रोफोन की वो रिकॉर्ड नहीं होगी और अगर हम इनेबल करेंगे तो हमारी वॉइस भी रिकॉर्ड होगी और सिस्टम से जो वॉइस आ रही है वो भी रिकॉर्ड होगी उम्मीद है आप इसको यूज़ करें और कमेंट्स में मुझे फीडबैक दिएगा मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और मैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो है वो दूसरे भी यूज़ करता रहा हूँ लेकिन इस तरह से मुझे जो है वो कंफर्टेबिलिटी जो है उसका लेवल इतना नहीं मिला उसमें मुझे ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ रही थी और जो वीडियो है वो अलग से और उसके अंदर माइक्रोफोन जो सिस्टम का है वो जब हम सिस्टम की रिकॉर्डिंग करते थे तो वो गूगल क्रोम की सिर्फ रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करता था और जो दूसरी है अगर हम कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं जैसे कि जूम ऐप है तो अगर यह हम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वॉइस वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा लेकिन इस ऐप में ये इशू नहीं है तो हम स्काइप पे मीटिंग्स हों उसको भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इस पे और इसी तरह से आप यूज़ करें इसको और मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसी लगी ऐप और आपका एक्सपीरियंस इसके हवाले से कैसा रहा सो अल्लाह हाफिज़ थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल हिट द बेल आइकन थैंक यू